कोरोना की दूसरी लहर ने जो तांडव मचाया उसे सोचकर ही सब सिहर जाते हैं, लेकिन अब तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है। लगातार तीसरे दिन कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दो दिन में कोरोना के केसेस 11,000 बढ़ गए हैं। 29 जून को 37,500 से ज्यादा नए केस आए, जबकि 1 जुलाई को नए केसेस की संख्या करीब 49,000 हो गई। लगातार तीन दिन से केसेस बढ़ रहे हैं, दो दिन में ही देखिए 11,000 केसेस बढ़े हैं। देश में एक्टिव केसेस की संख्या आपको हम दिखा रहे थे, लेकिन इन तीन दिनों के आंकड़ों पर अगर आप नजर डालें, 29 जून, 30 जून और 1 जुलाई, तो ये लगातार केसेस की संख्या बढ़ी है। और ये इस तरफ इशारा कर रही है कि जो नंबर्स कम होते हुए दिख रहे थे बीते कुछ दिनों में, अगर लापरवाही इसी तरह से जारी रहती है तो तीसरी लहर को लेकर बड़ा संकट हमारे सामने हो सकता है। एक तरफ कोरोना को पस्त करने की कोशिश हो रही है तो दूसरी तरफ लापरवाहियां हैं। कोविड की तीसरी लहर को लापरवाही न्योता दे सकती है। कल मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों को निर्देश दिया कि ऐसी कोशिश करें जिससे तीसरी लहर ना आए। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा कि आजादी की 75वीं सालगिरह पर बड़ा कार्यक्रम करना है। उन्होंने कहा टीकाकरण के महाअभियान में सभी मंत्री जुट जाए, टीकाकरण की लाइन में खड़े होकर लोगों की परेशानी को देखें। मंत्री अपने लोकसभा क्षेत्र में जाएं तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, खुद मास्क लगाएं और लोगों को भी मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें। ये ना समझें कि कोविड खत्म हो गया है, हमें इस तरह से काम करना होगा कि कोविड की तीसरी लहर ना आए। वक्त फिलहाल एक ब्रेक का है, लेकिन खबरें आगे जारी रहेंगी। ब्रेक पर जाएं, लेकिन उससे पहले आपको अगली खबर भी हम बता दें। आज डॉक्टर्स डे है। पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने सेहत की रक्षा में डॉक्टर्स के योगदान को सलाम किया है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में कहा, डॉक्टर्स डे पर सभी चिकित्सकों को मेरी शुभकामनाएं। चिकित्सा जगत में भारत की प्रगति सराहनीय है और इसने हमारे ग्रह को स्वस्थ रखने में अहम योगदान दिया है। गृहमंत्री अमित शाह ने अपने ट्वीट में लिखा, डॉक्टर बनना मानवता की सेवा का संकल्प है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर हम अपने साहसी डॉक्टर्स के वीरोचित प्रयासों को सलाम करते हैं, जिन्होंने बाधाओं के बावजूद मानवता की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमने समाज के प्रति उनके निस्वार्थ प्रयासों को बार बार देखा है। आज नेशनल डॉक्टर्स डे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल डॉक्टर्स डे पर चिकित्सा जगत को संबोधित करेंगे। कोरोना के इस काल में डॉक्टर्स की बदौलत ही हम सभी सही सलामत हैं। कई लोगों की जान गई तो कई